ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि स ग ध श नि ग प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक गुंथा हुआ अलंकार जिसे कहते हैं, ये सपाट अलंकार नहीं है। सपाट अलंकार वो होते हैं जो कि एक साइड से जैसे सारे गामा पाधा निशा सानी धापा मागारेशा, इस टाइप से ये सपाट अलंकार कहते हैं इनको। लेकिन जो गुंथे हुए अलंकार होते हैं, जैसे आप देखना सारे गा शा वन टू थ्री वन, रे गा मा रे वन टू थ्री वन, इस टाइप से। यानी वापस तीन तीन नोट लेना है, सारे गा शा फिर सा पे आ जाना, यही क्रम रहेगा। रे ग म रे ग म प ग म प ध म, इस टाइप से ये है। तो इसी अलंकार को हम बजाना सीखेंगे। ऐसे अलंकार यदि आप रियाज करेंगे तो बहुत जल्दी आपको स्वर ज्ञान होगा, फास्ट फिंगरिंग होगी। सपाट अलंकार यानी सादा अलंकार बजाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, वो तो एक तरह से ही होता है। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर अलंकार को घुमा फिरा करके यदि हम बजाएं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है और जल्दी हमें ईश्वर ज्ञान होता है। उंगलियों में हमें एक हैबिट बन जाती है, हमारी उंगलियां अपने आप कैसे वापस मुड़ के जाना तुरंत ही पहले ईश्वर पे, इस टाइप से। तो इसको बजाना सीखेंगे हम, बहुत सिंपल है। सारे गा सा यानी वन टू थ्री वन, सारे गा सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी शा धा, ये तो इसका आरोह हो गया। अब अवरोह में धा शा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा गा रे शा, इस टाइप से आरोह अवरोह करना है, यही क्रम रहेगा। और इसको ताल कहरवा के साथ में यदि आप रियाज करेंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि एक तो आपकी ताल भी बैठेगी सही दिमाग में और ताल के अनुसार आप बजाना भी सीखेंगे, ताकि इन फ्यूचर यदि आपको आपको क्या किसी को भी वो जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी गायकी बिना ताल के अधूरी होती है। कोई गीत गाएंगे आप, भजन गाएंगे, वो आखिर में ताल के साथ ही आपको मिलना है। तो इसलिए आप इसे ताल के साथ अवश्य सीखें, एक बार आरोह अवरोह पुनः देखें अच्छे से समझ के। सारे गा सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी शा धा, और फिर से अवरोह धा सा नी धा प मा गा प मा गा रे मा गा रे सा गा रे सा आ आ आ, 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 आ
टाइप से आपको दोनों तरह से आपको आरोह अवरोह करना है, स्वरों के रूप में यानी कि सरगम के रूप में भी करना है और आपको आकार के रूप में भी करना है, तभी इसका बेनिफिट होगा आपको। आकार के रूप में अवश्य करें। एक बार पुनः ताल कहरवा के साथ देखें। सारे गा सारे गा मारे गमा प गमा प धमा प धनी प धनी सादा ध सनी द प नी द प मा ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा इतना अधिक हो सके अलंकार का रियाज करें, बार बार करें, हजारों बार आपके हाथों से इन उंगलियों से जब निकलेगा तभी सही मायने में आप स्वर ज्ञान इतना आ जाएगा आपको, फिर आपको किसी टाइप की डिफिकल्टी नहीं होगी, आपका स्वर इतना सद जाएगा कि एक्यूरेट स्वर लगेगा आपका, शाह हो चाहे कोई भी नोट्स हो आपका एक्यूरेट लगने लगेगा। तो मेरी यही सलाह है, आप इसको आकार में अधिक से अधिक आकार में रियाज करें और ताल कहरवा के साथ रियाज करें दोस्तों, फिर देखना आप में कितना निखार आता है। और हमारे क्या है कि लोग अलंकार करते नहीं, ढंग से रियाज नहीं करते, एक बार बजा लिए, दो बार बजा लिए, हजारों बार इन हाथों से बजाना, इन उंगलियों को चलने दो, रम जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा।
तो इसके बाद में आपका गला अपने आप शुद्ध जाएगा, स्वर आपका सटीक लगेगा, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी। स्वर ज्ञान क्या होता है? ठीक से स्वर लगना, इसी को तो स्वर ज्ञान कहते हैं। और फास्ट फिंगरिंग हो रही वो अलग बात है, और आपकी आवाज में मधुरता आएगी। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अलंकार कैसा लगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और जब आपको अच्छे लगते हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक अपने आप पहुंचते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।